मैंने किस तरह से कम पढ़ाई करके भी फिफ्थ स्टैंडर्ड से ट्वेल्थ तक एवरेज 80% बनाई, किस तरह से मैं चीजों को याद करता था, क्या मेरी टेक्निक्स थी। मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ सब पर्सनल एक्सपीरियंस से है, कहीं से भी उठाई गई बातें नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि कुछ एक स्टूडेंट होते ही इतने टैलेंटेड है कि वो जो भी चीज एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें वो याद हो जाती है, वो एक तरह के स्पेशल होते हैं, सबसे अलग होते हैं या गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसे स्टूडेंट कोई काम अलग नहीं करते, बल्कि वो हर एक काम अलग तरह से करते। तो वीडियो में दो मेन बातें जिसकी हेल्प से मैंने चीजों को याद रखा, प्लस एक मिस्टेक जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मैं बताने वाला हूँ इसे आप यदि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट बनोगे। देखो मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, बल्कि चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। पहले बात करते हैं उस एक मिस्टेक के बारे में जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो आपको कभी किसी ने मोबाइल नंबर दिए, आपने थोड़ी देर के लिए याद कर लिए और किसी को बता दिए या कहीं लिख दिए, तो आपको उस टाइम लगा होगा कि वाह क्या याददाश्त है मेरी। लेकिन एक दो दिन बाद क्या आपको वो नंबर याद थे? बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं पढ़ाई के वक्त, मैं भी करता था बाय द वे। ये गलती है खुद को मूर्ख बनाना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो देख देख के पढ़ते हैं, फिर नोटबुक बंद करके बिना देखे उसे बार बार वापस बोलते हैं और फिर से पढ़ के इस तरह करते रहते हैं। लेकिन इसे याद करना नहीं बल्कि रट्टा मारना कहते हैं। ऐसा करने से आपको उस वक्त तो लगता है कि मुझे याद हो गया है, बट वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है जो कि कुछ टाइम बाद हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं उन दो चीजों के बारे में जिन्हें आपको फॉलो करना है। नंबर वन, जब हम नोटबुक या नोट्स खोल के उसमें लिखे वर्ड्स को देखना शुरू करते हैं तो उस वक्त तो हमें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो शब्द पूरी तरह से हमारे दिमाग को नहीं दिखती। क्या मतलब इसका? यानी उस वक्त उन शब्दों को सिर्फ आप देखते हो, आपकी आंखें देखती है, आपका दिमाग नहीं देख पाता। वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में सिर्फ थोड़े टाइम तक ही बनी रहती है, मतलब आप उसे कभी भी भूल सकते हो। हो सकता है आप उसे एक दो घंटे के अंदर भूल जाओ या फिर एक दो दिन के अंदर। तो अब ऐसा क्या करें कि जो टॉपिक या इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है वो ज्यादा टाइम तक टिकी रहे हमारे माइंड में? तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे चलना होगा। आप सबसे पहले कुछ देर तक पूरे ध्यान से किसी टॉपिक या पैराग्राफ को पढ़ें। उस टाइम आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि कुछ याद है या नहीं। आधा घंटा, एक घंटा या जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर पढ़ लें। फिर आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ते हुए साथ में कठिन और इम्पोर्टेंट चीजों को शॉर्ट में लिखते हुए चलें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। देखो उसमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगी आपको। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। फिर एक ब्रेक लेकर फिर से पढ़ने बैठ जाएं और इसी तरह से पढ़ते रहें। फिर लास्ट में जो आपने लिख लिख के याद किए थे या जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे फटाफट से रिवाइज कर लें। और इसके बाद आप यदि एक और चीज कर लेते हो तो आपने जो भी चीजें पढ़ी थी उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप उसे कर दोगे आसानी से। और ये काम है पढ़े हुए मटेरियल में से क्विज या MCQ सॉल्व करना। इसमें आपको मजा तो आएगा ही, साथ में बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी चीजें। आपने जो भी टॉपिक या लेसन पढ़ा उससे रिलेटेड MCQ या क्विज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन से। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो टाइम लग जाता है। देखो पढ़ाई में पहली बार किसी चीज को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे अगली बार उससे भी आधा टाइम देना पड़ेगा और चीजें और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहना शुरू हो जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, यदि ये चीज आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको जिस चैप्टर या लेसन को एक घंटा लगता था पढ़ने में एक टाइम के बाद आप उसे 10-15 मिनट में निपटा दोगे। दूसरी चीज है लिमिटेड स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी। मान लो आप जोश में आकर एक दिन लगातार 4-5 घंटे दबा के जिम कर लेते हो तो क्या अगले दिन आपका मन करेगा एक घंटा भी करने को? बहुत मुश्किल। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ के फाड़ के रख दो। देखो ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। टॉपर्स भी यही करते हैं, यानी आप डेली आधा चैप्टर या आधा लेसन ही पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ते रहें। जब आपके एग्जाम्स पास में नहीं है तब भी पढ़ते चलें। कुछ स्टूडेंट किसी दिन मोटिवेट होकर 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसा वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ही कर पाते, जोश खत्म होते ही वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आप ऐसा ना करें, यानी आप कम और थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट बातें भी आप फॉलो कर सकते हो जो शायद आपको पता होगी, जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना, जो पढ़ा है उसको दूसरों को सिखाना, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना और शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना, एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना, ये भी आप इंक्लूड कर देते हो तो आप पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो आपको खुद को भी नहीं पता। और हाँ, इस तरह पढ़ने के बाद आपको अच्छी और हेल्दी नींद लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नींद का समय ही वो टाइम होता है जब आपका दिमाग डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है और किसको नहीं, इसलिए देर रात तक ना जगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। सो सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।